गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टक्साल ऐप। एक बहुत ही पॉपुलर और ट्रस्टेड ऐप है एंड ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे अवेलेबल है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड सो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है इसमें। सो बेसिकली पहले आपको सिंपल इसके अंदर जाना है, रजिस्टर करना है, जहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर डालना है, देन ईमेल डालना है, अपना पासवर्ड सेट करना है, और आपको जो है रिडीम में जो है आपको अपना कोड डालना है, रेफरल कोड डालना है। एंड रेफरल कोड में आपके स्क्रीन पे इस टाइम एक रेफरल कोड आ रहा होगा, ये डाल देना तो आपको 20 रुपये का बोनस भी मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से स्टार्ट कर पाओ। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप है एंड इसके अंदर आप 9 गुना तक पैसे कमा सकते हो। मतलब अगर आप 10 रुपये लगा रहे हो तो आपको 90 रुपये मिलेंगे। एंड ये बहुत ही आसान है, एंड पेमेंट को तो लाइक बहुत ही आसान है इसकी पेमेंट। तो आपको पेमेंट बता देता हूँ मैं, आपको ये जाना है इधर पेमेंट्स में, यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है और सिंपल आपके अकाउंट में जो है जितने भी आपने अर्न करे हैं वो सबमिट हो जाएंगे। बस ये अगर टक्साल ऐप का अकाउंट है उसके अंदर 200 से ऊपर होंगे तभी आप रिडीम कर पाओगे। एंड बहुत ही आसानी से रिडीम होता है, इंस्टेंट पेमेंट है। सो जाओ जाके चेकआउट करो। Hey, what's going on guys? Bulky Star here. So guys, welcome back to Minecraft Guide episode number, wait for it, 40. Yes, episode number 40 finally. And yeah, आप लोग मेरे को सबसे पहले एक बात करनी है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, क्योंकि गर्मी में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं हर रोज़, बहुत टाइम लग जाता है, 1-2 घंटा रिकॉर्डिंग में चला जाता है। सो यार गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो मेहनत के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। एंड ऑल्सो आप लोग मेरे को वर्ल्ड डाउनलोड के बारे में कह रहे हो, अब मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में कहा था कि मैं वर्ल्ड डाउनलोड दूंगा एपिसोड 50 पे। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट कि मैं चाहता हूँ कि आप उस वर्ल्ड में कोई दिक्कत ना हो, तो वर्ल्ड डाउनलोड से पहले हम अपने नैदर हब को कम्प्लीट करेंगे, हम अपने एंडर ड्रैगन को हरा देंगे एंड इलाइट्रा और शल्कर सेल्स, जितने मतलब बेसिक जो हमें इलाइट्रा और शल्कर सेल चाहिए वो लेके आ जाएंगे, ताकि जब मैं वर्ल्ड डाउनलोड दूँ आपके पास इलाइट्रा और शल्कर बॉक्सेस हों, आपको दिक्कत ना हो। इसलिए मैं आपको वर्ल्ड डाउनलोड एपिसोड 50 पे देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना मेरे को पक्का पता है हम एंडर ड्रैगन वगैरह को सबको हरा देंगे। एंड या एंड उसके बाद हम अपने फार्म्स पे काम स्टार्ट करेंगे। ये मत सोच लेना एपिसोड 50 पे माइनक्राफ्ट गाइड खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं, एपिसोड 50 पे नहीं खत्म होगी ये। सो या एंड ये बात रही। एंड मेरे को जो है, मैं आप सोच रहे हो कि पहली बात कि मैं अपने कस्टम हिल पे क्यों बैठा हूँ, ये इंट्रो क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे, वो क्योंकि स्टोरेज बिल्डिंग के बाहर मैंने कुछ ऐसा काम करा जो बिल्कुल लाइक इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। चले सो आज हम बनाने वाले हैं 3x3 पिस्टन डोर, वो क्यों उसका भी रीज़न बताऊंगा। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यस येप ये मेरे को ये नहीं पता मैंने वो ये क्यों करा, आई डोंट नो, आई एम वियर्ड, मेरे को खुद नहीं पता, ठीक है ना। सो ये देखो मैं ज़रा नीचे मूव कर लूँ भाई, मुंडी नीचे कर लेते हैं। ओके 3 2 1 लुक एट दैट बॉयज, भाई क्या। एंड मैंने कहा यहाँ पे फाउंटेन बनाएंगे तो ये खाली जगह बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो भाई कितना सही लग रहा है ये रोड भाई, और ये देखो भाई साहब ये कि जो लैंटर्न का डिज़ाइन है मेरे को बहुत अच्छा, सॉरी लैम्प पोस्ट का जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो मैंने कहाँ देखा था, पर है मैंने नहीं बनाया पहली बात, ये लैम्प पोस्ट का डिज़ाइन मैंने कहीं देखा था, आई गेस कैंप माइनक्राफ्ट, आई डोंट नो यार, मेरे को याद नहीं मैंने कहाँ देखा था, बट यार दैट इज़ सो गुड यार। ये देखो देखो कितना मतलब बढ़िया है भाई ये लैम्प पोस्ट का डिज़ाइन, एंड ऑल्सो दिस रोड ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी गुड। एंड जैसा मैंने कहा था यहाँ पे फाउंटेन बनाने वाले हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे, वो नेक्स्ट एपिसोड का ही काम है, यहाँ पे हम बनाएंगे अपने कस्टम ट्री, ताकि आप लोगों को भी एक कस्टम ट्री का ट्यूटोरियल मिल जाए इसी बहाने। एंड यहाँ पे बनाएंगे हम अपना एक कस्टम पॉन्ड, नॉट लेक, इट्स पॉन्ड, ठीक है ना, एक पॉन्ड बनाएंगे कस्टम पॉन्ड, क्योंकि इस एरिया में मेरे को कोई मन नहीं है, बिकॉज एरिया में अगर हमने यहाँ पे कुछ बनाया तो वो जो हमारा नेदर पोर्टल है और ये हमारा जो काव फार्म है नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम एक कस्टम पॉन्ड बनाएंगे ताकि ये एरिया अच्छा लगे, एंड बाकी फार्म्स एंड स्टफ जो भी हमें बनाना होगा हम इधर बना देंगे बाकी बिल्ड्स। सो एंड हाँ आज के एपिसोड के लिए हम यस ये करने वाले हैं 3x3 पिस्टन डोर। सो ये रही सप्लाईज, एंड 2 सेकंड मैं कुछ स्लैब्स लेना भूल गया, स्लैब्स का भी जरूरत है भाई आज। ओके चलो ये रहे मटेरियल्स वगैरह सब, चलते हैं अपनी ट्रेडिंग होल पेंड, ये देखो ये सही लग रहा है भाई, ये देखो ठीक है ना, मस्त है। एंड आप लोग स्टेयर यूज़ करने के लिए कह रहे थे, मैं स्टेयर जो है यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एज स्टेयर जो है डेप्थ क्रिएट नहीं करती है, इसलिए मैं यहाँ पे स्लैब्स यूज़ कर रहा हूँ, सो इसलिए ठीक है ना।
एंड तो चलते हैं। एंड मेरे को भी यहाँ का भी एक रास्ता बनाना है, मे बी इस साइड से निकालूँ, मे बी इस साइड से निकालूँ, एंड उसके लिए मेरे को इस ब्रिज को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा या फिर इसको थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से मेरे को एक पाथ निकालना पड़ेगा या फिर वहाँ से एक ब्रिज निकाल। ओह माय गॉड, इतना सारा काम करना है। एंड ये भी तोड़नी है भाई, ये नेदरैक की जो रेल लाइन है ये भी तो तोड़नी है। ओह माय गॉड, कितना सारा काम है भाई करने को, इसको तोड़ो भाई अभी के लिए। एंड या ऑल द विलेजर्स सेट हैं, एंड एक और विलेजर मैंने यहाँ पे रख दिया था जिससे मेरे को दे रहा है एफिशिएंसी 5, इसको मैंने गलती से हिट कर दिया था तो ये डिस्काउंट नहीं दे रहा है, थोड़ी देर में देने लग जाएगा। एज आप जिसको हिट कर देते हो वो डिस्काउंट नहीं देता है थोड़ी देर के लिए। और भाई यहाँ अंदर का भी काम रह रहा है भाई, मैं बहुत आलसी हो गया हूँ काम करने में भाई। पर हाँ, ये डिफरेंट डिफरेंट सीरीज चलती है ना, हाँ यार सीरीज़ में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मतलब सीरीज़ को कंटिन्यू करने में दिक्कत हो जाती है, और कोई दिक्कत नहीं मेरे को। सो अब दो सेकंड यहाँ पे, यस एंड ऐसे ऐसे और है यार ये दिक्कत देंगे, पर चलो कोई गल नहीं, ऐसे ठीक है। एंड अभी के लिए ये तो ना ये यहाँ पे आएगा तो हाँ ऐसे आराम नाल हो गया। एंड प्लीज़ जल्दी से सो जाते हैं, कभी क्रीपर मेरे मुंह पे आके फट जाए बिना साउंड के, वैसे खेलता हूँ सुनेगा भी नहीं भाई क्रीपर अगर मुंह पे आके फट गया तो। ओके हो गया भाई, पिस्टन डोर ख़त्म, चलो अपने घर चलो। नहीं भाई नहीं, अभी तो रहता है अभी, ज़्यादा काम नहीं होता है। पिस्टन डोर आर वेरी वेरी इजी, ठीक है ना, बहुत आसान होते हैं, इनका बस हुआ होता है कि ये मुश्किल होते हैं। पिस्टन डोर्स मुश्किल होते हैं आफ्टर अ 3x3, वरना 3x3 तक तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। आई मीन बच्चों का खेल, बिल्कुल ही बच्चों का खेल भाई, प्योर बच्चों का खेल। ओके ये भाई ऐसे ठीक है, इसको रिमूव करते हैं ज़रा, क्योंकि यहाँ पे आने वाला है रेड स्टोन, एंड रेड स्टोन इससे कनेक्टेड, एंड देन ऐसे यहाँ पे, एंड यहाँ से यहाँ तक ठीक है ऐसे, एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा पिरासर प्लेट, प्रेशर प्लेट यहाँ पे लगाते हैं ना, यहाँ पे लगाएंगे प्रेशर प्लेट, वो कैसे दिखाता हूँ आप लोगों को। टेम्परेरी मैं जैसे कि एक टेम्परेरी स्टोन की प्रेशर प्लेट बना लेता हूँ, और अगर हम यहाँ पे क्रिम्सन नाइलियम लगाएं ऐसे, और ऐसे लगाएं ये, एंड जैसे मैं इस पे आऊँगा ये देखो ये होंगे, पर हमें ये कंटिन्यूस करके रखने हैं। सो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये पर मेरे को रिपीटर यूज़ करना पड़ेगा। क्रैप यार, थोड़ा सा एक और पीछे चलें क्या यार, यहाँ पे चलें। आई एम कन्फ्यूज्ड, क्या हम यहाँ एक पीछे चलते हैं यहाँ पे चलते हैं, और इसको हम लगाएंगे इस साइड यहाँ पे, देन ऐसे एंड ये ऐसे, ठीक है अब ठीक है। एज क्योंकि अगर मैं यहाँ, सो आपको क्या करना है, आपको ऐसे जाना है, ठीक है, एंड इसको लगाओ यहाँ पे, एंड ऐसे हो गया, ठीक है चलो ऐसे करना था, वही तो मैं सोच रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि हम डायरेक्ट टॉर्चेज को ऐसे बंद नहीं कर सकते, हम उनको नीचे वाले ब्लॉक को बंद करना पड़ता है, ठीक है ना भाई, मैं भूल क्यों जाता हूँ पहली बार। ठीक है अब ये पावर्ड रहेंगे जो हमें रखने थे पावर्ड, एंड अब जो आता है मेन चीज़ वो ये कि हमको इन सब को भी पावर रखना पड़ेगा एट सेम टाइम। इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड, नॉर्मल वेरी हार्ड नहीं, इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, ठीक है ना। ओके एंड इसको हटाओ भाई सोल सैंड को, एंड दो सेकंड इसको भी हटाओ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये, ठीक है अब देखो मैं करने कैसे वाला हूँ ये। अब बेसिकली इसमें काम आएंगे हमारे ये, ठीक है ऐसे लेके जाना है मेरे को, ऐसे लेके जाना है, एंड देन ये ऐसे, क्योंकि तो जब एक काम भी तो और कर सकते हैं, इसको और आसान बना सकते हैं हम बाय जस्ट मेकिंग श्योर यहाँ पे ऐसे ये, पर हम इसको फिर कवर नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है ना, हम इसको फिर कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसको यहाँ पे रहने दो ऐसे ही, ठीक है ऐसे। देन अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ पे, इनको ऐसे रख सकते हैं,
ओके ओके ओके, ठीक है चलेगा, अपना काम चलेगा, ऐसे चलेगा। क्योंकि मेरे को चाहिए होंगे यार, मेरे को चाहिए होंगे स्लैब्स। ओके स्लैब्स मैं यूज़ करने वाला हूँ स्टोन के, या फिर ब्लैक स्टोन यूज़ कर लेते हैं। दैट्स ठीक है, ब्लैक स्टोन यूज़ कर लेते हैं। ओके ओके, यहाँ पे ऐसे। ओके दो सेकंड, अबे यार दो सेकंड, अबे रुक जाओ यार, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। एंड ऐसे, ठीक है। देन ये, हाँ हाँ देख रहे हो आप, एज जिनको नहीं पता, हम इस तरीके से भी जो है इनको, अरे भाई दो सेकंड रुक जाओ यार, इनको हम इस तरीके से भी पावर अनपावर कर सकते हैं। एज अगर मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ ऐसे, भाई दो सेकंड, ये ऐसे, भाई रुको रुको, ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखो ये पावर हुआ, अब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ये पावर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको पावर अनपावर कर सकते हैं। एंड ये जैसे इस पे लगाऊंगा ये भी पावर हो जाएगा। बट अब मेरे को एक काम और करना है, जो कि है ऐसे, ऐसे जाना है और यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। देन ये, ताकि ये वाला भी पावर हो जाए। एंड सेम ट्रिक जो आप समझ गए होंगे, देखो इस तरीके से करा है मैंने ये, ठीक है ना। एंड उस वाले स्लैब को तोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको वापस लगा देंगे। कम विद मी, ओके दो सेकंड एंड ओ भाई चलो हो गया। ये देखो अब ये सारे पावर्ड हैं, ये तीन पावर्ड हैं। सेम चीज़ मेरे को इसके साथ भी करनी है, जैसे हम इस प्रेशर प्लेट पे आएंगे ये सारे अनपावर्ड हो जाएंगे। सो या आप देख पा रहे होंगे कि बहुत आसान है इसको करना, ठीक है ना। जिन लोगों को अब तक समझ में नहीं आया भाई क्या कर रहे हो भाई तुम, ठीक है ना, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब सेम चीज़ जो है मेरे को इस साइड भी करनी है, ठीक है। सो मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा एंड यहाँ पे, नहीं नहीं इसको नहीं, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को लगाना है रेडस्टोन ऐसे ही, ऐसे, ठीक है। एंड इसको तोड़ना पड़ेगा भाई, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन ऐसे, एंड मेरे को जोड़ने हैं ये यहाँ, अबे यार यहाँ पे नहीं बे, यहाँ पे नहीं, मेरे को जोड़ना है ये, भाई तुम हटोगे प्लीज़ दो सेकंड, वही तो मेरे को ये पिस्टन डोर बनाने के बाद करना चाहिए था काम। और ये ऐसे, ठीक है हो गया, बस दो तरीक, दो सेकंड यार, ये ऐसे, ऐसे हो गया यहाँ पे। देन मेरे को करना है यहाँ पे ये, एंड ये हो गया, हो गया फाइनली हो गया, ठीक है ना। अब मेरे को दो सेकंड इस ब्लॉक को तोड़ के यहाँ पे क्रिम्सन नाइलियम लगा देता हूँ। एज क्रिम्सन नाइलियम पे रेडस्टोन ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, मतलब दिख रहा है इसको, वैसे भी हम हाइड करने वाले हैं। यह बन गया, नहीं बना, अभी नहीं बना, एक्चुअली बन ही गया क्योंकि इसके अलावा और कुछ करने को नहीं भी रहा। ये इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको बंद करो, हो गया। देखो अब बेसिकली ये इसलिए करा मैंने यहाँ पे रिपीटर इसलिए लगाया ताकि हम ये वाले ब्लॉक को आसानी से बंद कर पाएं। अगर हम, मैं यहाँ पे रिपीटर नहीं लगाता तो हम ये वाले ब्लॉक को बंद नहीं कर पाते, ठीक है ना। अब बहुत आसानी से हो जाएगा भाई। बाकी क्रिम्सन नाइलियम कहाँ पे है अबे भाई यार, ठीक है ना, ये लगा देते हैं। यहाँ पे लगाया था मैंने मेरे ख्याल से गलती से, है ना, अरे हाँ 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 यहाँ पे लगा दिया था मैंने ये, ठीक है। देखो बहुत आसानी से हमारा पिस्टन डोर यहाँ पे बनता हुआ, इसको हम आराम से तोड़ सकते हैं। एंड भाई यहाँ पे मेरे पास कोई ब्लॉक है क्या इस वक्त, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे ये लगा देते हैं ताकि, ओ भाई साहब आराम से भाई, आराम से, आराम नाल, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। ये देखो किस तरीके से पावर एंड पावर हो रहा है। अब मेरे को चाहिए मेरा ये, और मेरे को चाहिए होंगे दो ये चीज़, ठीक है, ताकि मैं उनको लगा पाऊँ, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। देन मेरे को चाहिए होगा कुछ क्रैक स्टोन ब्रिक्स, आई मीन यस, ये भी चलेंगे दो, ठीक है, ताकि एक को मैं लगा पाऊँ
भाई रुको रुको रुको, वापस भाई वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। एक को यहाँ पे एंड एक को यहाँ पे, एंड मेरे को अब चाहिए होंगे चार स्टेयरकेसेस। चार स्टेयरकेसेस मैं कौन से लूँ, क्रैक्ड वाले ले लेते हैं, ठीक है। एंड वन मेरे को चाहिए, वापस आओ इस तरीके से, एक इस तरीके से, एंड देन दो इस तरीके से। लुक एट दैट बॉयज, कितना सही लग रहा है ये 3x3 का पिस्टन डोर, आप आराम से जा सकते हो। अब आप सोचोगे अंदर आ गए बाहर कैसे निकलें, बहुत आसान है। इसको ज़रा 2 सेकंड के लिए मैं तोड़ूं, और यहाँ पे मैं वॉप्ड की लगाऊंगा, वो चीज़ जो क्या कहते हैं उसको, 2 सेकंड यार, मेरे को यहाँ से एक रास्ता बनाने का है, चाहिए रेड स्टोन सिग्नल आराम से। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, ठीक है यहाँ पे लगाऊं अगर मैं, अबे 2 सेकंड यहाँ पे चढ़ाना भी तो था सिग्नल, ये यहाँ पे। और अगर मैं सोच रहा हूँ जो वैसा ही हुआ जो कि हमेशा नहीं होता, यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ और एक और ये लूँ और यहाँ पे लगाऊँ अगर, भाई ये वाला पिस्टन अनपावर हो रहा है, दैट इज़ द रीज़न। तो मेरे को 2 सेकंड सोने दो एंड वापस मैं कुछ इसका हल निकाल लेते हैं। नॉट दैट हार्ड, 3x3 पिस्टन डोर्स आर वेरी वेरी इजी, जैसा मैंने कहा आप लोगों को। एंड यहाँ पे ऐसे तोड़ें इसको अगर, तो ये देखो हो गया, बट 2 सेकंड इसको तोड़ना पड़ेगा। अबे पावरिंग अनपावरिंग का तो चक्कर है, अरे फिर यहाँ पे एक ऐसे लगा देते हैं तो भी तो पावर हो जाएगा ये। ये देखो अबे वो ब्लॉक तोड़ दिया था मैंने गलती से। अब देखो अगर अब हम करते हैं, अबे मैंने गलती से, अबे रेडस्टोन तो तोड़ दिया मैंने भाई साहब, रेडस्टोन तोड़ दिया मैंने। वाह नाइस भाई, नाइस 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 नाइस, सो मच वेरी वेरी मच, यस। अरे देखो आने लग गया। अब अगर हम उस साइड जाएं, अब भी सारे आ रहे हैं भाई भाई, यही तो बिल्ली दब गई थी भाई। और ये सही, ठीक है। अबे अब भाई क्या दिक्कत हो रही है यार, अब ये मत कहना टॉर्च भी, भाई टॉर्च किसने तोड़ दी भाई, यहाँ से कुछ भी चल रहा है भाई। वही मैं सोच रहा हूँ भाई, तुम अनपावर क्यों हो रहे हो बार बार, ठीक है ना भाई। यार मैं ऊपर कैसे चढ़ूँ अब, ये दो, ओ ये और ये, ठीक है अब तो होना। भाई प्रेशर प्लेट भी तोड़ दी मैंने, वाह। यहाँ पे मैं वॉब्ड की प्रेशर प्लेट लगाने की सोच रहा हूँ, अब अंदर जा सकते हैं हम आसानी से, ठीक है। अब अगर मैं इसको दबाऊँ, यस सारे खुल रहे हैं, आह थैंक गॉड। और ठीक है अब आसानी से, अब बस ये हो गया हमारा 3x3 का पिस्टन डोर। अब मेरे को इन सारे रेड स्टोन को और इन सब को हाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं भी एक वो वाला ब्रिज बनाऊँ जो हम यूजुअली बनाते हैं, जैसे उसमें बनाते हैं एक कर्व वाला ब्रिज जो होता है ऊपर वाला, वो मैं भी यहाँ पे मैं बनाऊँगा। एंड इस प्रेशर प्लेट को चेंज करूँगा, स्टोन वाला बहुत गंदा लग रहा है। एंड सो दिस इज़ द 3x3 का पिस्टन डोर जो आप लोग मेरे को कह रहे थे बनाने के लिए, बहुत आसानी से बन गया, ठीक है ना, बहुत आसान था इसको बनाना, इट्स नॉट दैट हार्ड। हाँ मेरे को पता है मॉब्स की दिक्कत हो सकती है, प्रेशर प्लेट यू कैन यूज़ बटन, आप बटन भी लगा सकते हो यहाँ पे, इट्स जस्ट योर प्रेफरेंस, आप जो करना चाहो कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे बटन लगा सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ मर्जी लगा सकते हो, इट्स योर प्रेफरेंस, आपकी चॉइस है, ठीक है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। लग रहा होगा कि मैं इतनी छोटी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, द ओनली रीज़न बिहाइंड दैट कि आज मेरे जरा घर पे गेस्ट आए हुए हैं, सो या इसलिए आज मैं वीडियो थोड़ी छोटी बना रहा हूँ। एंड आई होप यू गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि 3x3 का पिस्टन डोर आप कैसे बना सकते हो, इट्स वेरी इजी वेरी सिंपल, ठीक है। एंड सो बस यार मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यप गुड बाई।